चुनाव खत्म होते ही सबको अब 23 मई का इंतजार है। मतगणना से पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे सबके सामने हैं और कुल मिलाकर लगता है यही है कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती दिख रही है। और अगर एनडीए सत्ता में आती है तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिल सकता है। एग्जिट पोल्स की माने तो एनडीए बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है, तो ऐसे में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आम जनता को मिल सकता है, जिनका जिक्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, किसान को 6000 सालाना 2018 से योजना की शुरुआत हो चुकी है। छोटे लोन पर ब्याज नहीं, किसानों को 1 लाख के लोन पर 5 साल तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष विधेयक, 3 तलाक निकाह हलाला जैसी प्रथाओं से मुक्ति के लिए विधेयक लाया जाएगा। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना के तहत लाने की तैयारी की जाएगी। सुरक्षा बलों को मिलेगी पूरी ताकत, सुरक्षा बलों को आतंकियों से निपटने के लिए फ्री हैंड नीति की तैयारी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण, 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। 2024 तक MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी की जाएगी। छोटे कारोबारियों को क्रेडिट गारंटी योजना दी जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लाई जाएगी। हर परिवार को मकान, साल 2022 तक हर परिवार को मकान दिया जाएगा। जल जीवन योजना भी शुरू की जाएगी। 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी, 1400 लोगों पर एक डॉक्टर की तैनाती की जाएगी। 75 नए मेडिकल और पोस्ट मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की जाएगी। अब योजनाओं का सिरे चढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि एग्जिट पोल्स की तरह नतीजे भी एनडीए के पक्ष में आए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।